अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए। दिवाली का त्योहार आने ही वाला है और इस दिन को लेकर सभी लोगों के मन में बहुत ही उत्सुकता होती है। दिवाली से कई दिन पहले ही लोग अपने घरों की साफ सफाई करने लगते हैं और दिवाली का त्योहार खूब धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन घर को खूब सजाया जाता है और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लोग दिवाली के दिन अपने दोस्तों रिश्तेदारों को तोहफे देते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं, लेकिन दिवाली के दिन किसी को भी तोहफे में ऐसी चीजें नहीं देनी चाहिए जिससे लक्ष्मी माता नाराज हो जाएं और आपके घर में पैसों की कमी हो जाए। आइए जानिए दिवाली पर किन चीजों को तोहफे में नहीं देना चाहिए। एक, दिवाली के दिन लोग अपने घर में गणेश जी और माता लक्ष्मी की मूर्तियाँ लाते हैं, लेकिन अगर ये मूर्तियाँ दिवाली पर किसी को तोहफे में दी जाए तो यह अशुभ होता है। दो, इस दिन सोना, चांदी, तांबा, कांसा और पितल धातु की कोई भी चीज किसी को तोहफे में नहीं देनी चाहिए, इससे घर में पैसों की तंगी होने लगती है। तीन, अगर किसी को तोहफा देना ही है तो स्टील या लोहे की बनी धातु का दे, लेकिन इन धातु की चीजों को दिवाली पर घर न लाएं। चार, दिवाली पर किसी को भी तोहफे में रेशमी कपड़े न दें, इससे लक्ष्मी माता नाराज हो जाती है और घर में पैसों की तंगी हो जाती है। इसके अलावा दिवाली पर खुद के लिए रेशमी कपड़े खरीदना शुभ माना जाता है। पाँच, काले रंग की किसी भी चीज को दिवाली पर घर में न लाएं और न ही ऐसी कोई चीज किसी को गिफ्ट में दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।